मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू अगर किसी में ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी या कैलकुलेट होगी, वो हमेशा टोटल के अंदर आएगी। यहां तक क्लियर है? और जितनी बार प्रोग्राम रिपीट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, वो हमेशा काउंटर शो करेगा जिसमें हम काउंट में उसको शो करेंगे। क्लियर है यहां तक? जी जी हेलो। हाँ बेटा, सुनाई आ रहा है? सर हेलो जी हाँ बेटा, सुनाई आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर जी यहाँ तक समझ में आया? जी अच्छा, सर उसके ये बाद पूरा हम, पूरा हाँ ऐसे जो आपने टोटल और ये लिखा हुआ आपने पूरा पूरा कोड ऐसे लिखना होता प्रोग्रामिंग के नहीं, अंदर। जी, ये टोटलिंग हम इस तरह से लिखते हैं और काउंटिंग भी हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक ठीक है, है? प्लस वन करके। जी, सही है। ओके सर। अच्छा, इसको समझ लें अच्छी तरह से, ये समझ लिया, अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। उसके बाद है, अच्छा देखिए भाई, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करेंगे इसके अंदर। उसमें ये है कि अगर मुझे कोई भी चीज का नंबर्स में किसी की पावर यूज करनी है, अगर मुझे एक्सपोनेंट, जिसको हम कहते हैं, अगर मैं, इफ आई वांट टू राइट 2 पावर 2, तो मैं किस तरह से लिखूंगा? सूडो कोड में 2, ये हैट का साइन बनाऊंगा और 2 लिख दूंगा, दैट मीन्स 2 पावर 2। ओके, अच्छा, ये निगेशन जो है ये आपका नहीं है, ये ए लेवल्स का रिलेटेड है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में बेटा, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, हम क्रॉस साइन नहीं लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, हम हमेशा स्टेरिक कहते हैं इसको, स्टेरिक, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, स्टार, बहुत सारे लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, ये यूज करेंगे। डिवीजन के लिए हम डिवीजन साइन यूज नहीं करते, बैक स्लैश यूज करते हैं, ठीक है, देख लें इसको। अच्छा, प्लस और माइनस इसी तरह से होता है, जिस तरह से हम करते हैं। अच्छा, उसी तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, और अगर हमें यूज करना हो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हम मैथ्स में जिस तरह से यूज करते हैं, ग्रेटर का साइन लगाया और नीचे एक बार लगा दी, वो इस तरह कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर में इस तरह से लिखेंगे तो रॉन्ग कंसीडर होगा। कंप्यूटर में किस तरह लिखेंगे? ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इसी तरह से लेसर देन इक्वल टू का साइन कैसा होगा? लेसर देन का साइन लगाएंगे और उसके बाद इक्वल टू का। ग्रेट डायरेक्शन में लिखेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉट इक्वल। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि बोथ या ऑल द थिंग हैज टू बी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, या दे हैज टू बी ट्रू, ट्रू होना चाहिए, जब ही जाके क्या होगा, एंड की कंडीशन वेरीफाई होगी। और की कंडीशन कभी वेरीफाई होगी? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन करेक्ट हो या वेरीफाई हो, तब वो चलेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? और नॉट के अंदर कोई भी कंडीशन जो है वेरीफाई नहीं होगी। यहां तक क्लियर है भाई? जी हेलो, कैन यू हेयर मी? इज इट क्लियर टू यू ऑल? जी सफी, समझ में आ गया बेटा? जी सर, समझ आया सर। अच्छा, अब मैं इस वाले डॉक्यूमेंट को एंड कर रहा हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। अब हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं बेटा डेटा टाइप्स। अच्छा जी, एक सेकेंड, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। जी बेटा, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है विंडो? हाँ बेटा, डिस्प्ले हो रही है? हेलो, जी सर, हो रही हो रही। अच्छा बेटा, ये हेडिंग डाल ले डेटा टाइप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये सही तौर पे नहीं कर पाएंगे तो आप फिर प्रोग्रामिंग आगे नहीं कर सकते। इसको कॉपी कर लें, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अच्छा बेटा, इसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हमारे पास्ट पेपर में भी आते हैं। आपको डेटा टाइप्स गिवन होती है, अब आपको उसमें मैचिंग द कॉलम भी करना होता है, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। हो सकता है डेटा टाइप गिवन हो और उसको भी आपने मैच करके देखना हो, वो सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में क्विज भी दूंगा इस तरीके का, तो यू विल गोइंग टू डू एंड गिव इट टू मी, आप मुझे सबमिट कराएंगे। अच्छा देखिए बेटा,
डेटा टाइप्स होती क्या है पहली बात तो ये है, और ये इनका मकसद क्या होता है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। देखें कंप्यूटर के अंदर अभी हमने बात करी, सफी तुम बेटा उस वक्त आए नहीं थे, क्लास में एंटर नहीं हुए थे, मैं फिर बता देता हूँ तुम्हारी भी जानकारी के लिए थोड़ा सा, ताकि तुम्हारी भी है ना तुम कोप अप कर लो कैसा क्लास के साथ। देखिए बेटा कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, अपनी कोई ना कोई वैल्यू जो हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर की किसी एलोकेशन के अंदर उसको स्टोर करता है। और हम ये अभी डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर थ्री फॉर्म्स के अंदर डेटा स्टोर करता है, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और एरेज। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल्स को, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स को, एरे को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो लास्ट में करेंगे हम, ठीक है। अच्छा आप क्या है वेरिएबल जो है क्या कहते हैं वो क्या है कि वेरिएबल वजह उसकी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी डेटा को चाह रहा हूँ कि जिस तरह जिस फॉर्म में मैं कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहता हूँ उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डेटा टाइप्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि बेटा इसको लिख लें, जैसे कि नंबर्स हैं, कोई नंबर अगर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ किसमें कंप्यूटर में, एंड दे दोस नंबर हैज टू बी क्या होना चाहिए, होल नंबर्स बेटा, ये होल नंबर्स की फॉर्मेट में हो, भले वो माइनस में हो कोई मसला नहीं, जीरो भी होगा कोई मसला नहीं है, लेकिन वो डेसिमल में ना हो, पॉइंट में ना हो, ठीक है। अगर वो होल नंबर्स की फॉर्मेट के अंदर है तो उसकी डेटा टाइप हमेशा क्या होगी बेटा, इंटीजर होगी। लिख लें डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी हमेशा, सही है। अच्छा अगर कोई नंबर्स है अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है या डेसिमल की फॉर्म में, जैसे कि 2.3 हो गया, और अगर वो माइनस में भी है, -0.5 है, 10.0 है, या -2.5 है, या सिंपली 0.0 भी है, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी बेटा, हमेशा याद रखिएगा रियल होगी, रियल। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स कह देते हैं कि भाई उसकी डेटा टाइप सिंगल होगी, कोई बोलता है फ्लोट होगी, कोई होगी, नहीं ये गलत है। वजह उसकी ये, वो हो सकती है लेकिन वो लैंग्वेजेस में होगी, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, वी आर स्टडिंग सूडो कोड, और सूडो कोड में हमेशा कोई भी नंबर की फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज रियल, उसको हम रियल लेंगे। आ गई समझ बात, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल होगी बेटा। यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है सर। अच्छा दूसरी उसके बाद बेटा, अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो, जैसे कि कोई वर्ड है, कोई पैराग्राफ है, कोई सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ा लिटरेचर कोई चीज है, तो कंप्यूटर उसको किस फॉर्मेट में सेव करेगा बेटा, स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव करेगा। तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, लिख लीजिए ये स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर डिस्प्ले की है वो ये समझाने के लिए कि अगर ये नंबर जो है, नंबर्स किस फॉर्मेट में होते हैं, अभी मैंने डिस्कस करी क्या, अगर होल नंबर जैसे 999 लिखा है ये किस फॉर्मेट में है? जी बेटा ये 999 जो है किस फॉर्मेट में है, इसका इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, डिजिट के अंदर है, इंटीजर होनी चाहिए सर इसकी। वेरी गुड, क्योंकि अभी ये नंबर्स है और ये किसमें, होल नंबर की फॉर्मेट में, तो जाहिर सी बात है ये क्या है भाई, ये इंटीजर की फॉर्म में। अगर ये डेसिमल नंबर होता तो किस फॉर्म में होता, रियल फॉर्म में होता। अब देखो मैं इस बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं कोई नंबर को ये लेना चाह रहा हूँ कि मैं उसकी डेटा टाइप क्या डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि भाई वो किसी तरह से स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, या कंप्यूटर उसको कैरेक्टर की फॉर्म में ले ले, तो मैं किस तरह से करूंगा। अब समझ में आई व्हाट आई वांट टू से, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपने निक्स देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना निक रख लेता हूँ 777, सही है। तो क्या है कि एट द मोमेंट अगर मैंने 777 अपना निक रखा है तो वो क्या है? उस वक्त क्या हो जाएगा, वो नंबर की फॉर्मेट में नहीं होगा बल्कि किस फॉर्म में होगा बेटा, एज अ नेम की फॉर्म में होगा। इज इन दैट व्हाट आई वांट टू से, जैसे ये 999 लिखा हुआ है, 999 लिखा हुआ है, 999 इस वक्त जो है यहाँ पर क्या है, नंबर की फॉर्मेट में, तो यहाँ पर क्या है इसको, वो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको चाह रहा हूँ कि एज अ निक लू, मैं इसको एज अ निक या एज अ नेम ले लूँ या एज अ वर्ड ट्रीट कराना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको इसको मैं क्या करूंगा, सिंगल कोटेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा। सिंगल कोटेशन के अंदर जब मैं इसको लिखूंगा तो ये नंबर्स को, अब ये एज अ नंबर नहीं रहा बल्कि एज अ क्या हो गया, वर्ड ट्रीट करेगा इसको, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है सफी जी? क्लियर है। अच्छा और अगर मैं सेम,
उसी जैसे पूरा वर्ड है, जैसे फारे पूरा वर्ड है। अब आपको ये लग रहा है कि भाई या तो ये वर्ड है तो जाहिर सी बात है इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि फारे के अंदर से मैं एक वैल्यू स्टोर करूँ। फारे विल गोइंग टू बी अ वन सिंगल वन पर्सन, ठीक है। तो जब वन पर्सन होगा तो उसके लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये फारे बहुत सारी चीजें नहीं है, बल्कि ये फारे इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, बल्कि क्या है ये एक सिंगल वैल्यू है। तो उसको सिंगल वैल्यू के अंदर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी चीज को, किसी नंबर को, किसी वैल्यू को डबल कोटेशन में लिख दूंगा तो उस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, चार। इसको कैरेक्टर कहते हैं लेकिन लिखते चार हैं, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। ये सिंगल लेटर होगा तब भी इसकी डेटा टाइप क्या होगी बेटा, चार होगी। यहां तक क्लियर है जी? हेलो, क्लियर है बेटा ये? क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज याद रखेंगे बेटा। अब मुझे थोड़ा सा बताओ कि ये ट्रिपल लाइन जो मैंने लिखा था और ये कोटेशन में लिखा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यस, कोई बच्चा जिसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग हो तो मुझे जरा बताए कि इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं सिर्फ सिंपली ट्रिपल लाइन लिख रहा हूं इसमें और ये डबल कोटेशन में जो लिख रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि भाई आपने कह सर दिया एक एक चार है, चलो समझ में आ गया, लेकिन चार उससे क्या होता, क्या हुआ, क्या क्या वजह हो गई? सर वो क्या नाम है, कोई अपना एक मतलब कौन मतलब एक चीज को मतलब वो कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। नहीं देखो, अभी देखो इसको समझो, याद रखना मेरी बात, कोई चीज अगर नंबर एज इट इज लिखा है तो वो अगर इंटीजर या रियल की फॉर्म में, दैट मींस इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। जबकि ये अगर कैरेक्टर की फॉर्म में, चार की फॉर्म में या स्ट्रिंग की फॉर्म में, अगर वो नंबर की डिजिट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर समझ बात मेरी, अगर मैं फारे है, फारे को क्या करता हूँ इंटीजर की फॉर्म में लिख दूंगा, तो फारे इन दैट कंडीशन विल नॉट गोइंग टू रिमेन एज अ नेम, उस कंडीशन में नेम नेम नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, इट कैन बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब समझ में आया आपकी मेरी बात? तो जो चीज कैलकुलेट हो सकती है दैट कैन बी ओनली रिटन इन इंटीजर और रियल फॉर्मेट, और जो कैलकुलेट नहीं हो सकती होगी वो ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग या कैरेक्टर की फॉर्म में होगी या चार की फॉर्म में होगी। क्लियर है यहां तक भाई जी? यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके आगे फिर एक और फॉर्मेट है जिसको हम कहते हैं बेटा बूलियन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि अगर हमारे पास इफ वी आर हैविंग कोई कंडीशन ट्रू हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ और उसके अंदर भी हम बनाएंगे भी इंशाल्लाह, तो अगर मैं उसमें बोलता हूँ कि बेटा द कपिल विल गोइंग टू बी अलाउड बट दे हैज टू बी अबव एज 18, ठीक है। तो अगर वो एज अबव 18 होगी तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रू। लेकिन अगर वो लेस देन 18 होगा तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये दो कैटेगरी में आएगी, अंडरस्टैंड? तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी बेटा, बूलियन हो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टैंड? अब मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अलाउ दोज स्टूडेंट हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकन हाउस, ठीक है, या BSS। तो वो कंडीशन, अगर इफ द स्टूडेंट बिलोंग्स टू BSS तो वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। एंड इफ दे डू नॉट बिलोंग्स टू BSS तो क्या वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड कोई कंडीशन नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड? बहुत सारे लोग ये कर देते हैं बेटा मिस्टेक, याद रखेंगे, मैं बहुत कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ कि इफ दे फाउंड टू वैल्यूज और उसमें अगर डिफरेंस करने को आ जाए तो वो कहते हैं ये बूलियन हो रहा है, तो वो कह देते हैं कि ये बूलियन हो रहा है। नो, इसकी डेटा टाइप कभी बूलियन नहीं हो सकती, याद रखिएगा। बूलियन सिर्फ क्या होगी, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन बस हो सकती है, ओके? उसके बाद जो है, अगर आपको कहीं पर डेट लिखी हुई नजर आए, ठीक है, और वो फॉर्मेट में हो, इधर ईयर्स मंथ और डेट, या डेज मंथ और ईयर्स की फॉर्म में होगी, तो उसकी डेटा टाइप हमेशा डेट होगी। यहां तक क्लियर है भाई सबको? हेलो, यहां तक क्लियर है? आगे जी चले? सर, अच्छा क्लियर है। बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया, मैं बता चुका हूँ वेरिएबल लेना जरूरी है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना जरूरी है। तो बेटा ये लिख लीजिए कि हम सूडो कोड में किस तरह से वेरिएबल को लिखते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं हम डिक्लेयर और कोई आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, ये जिस नाम से आप
वेरिएबल को स्टोर करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई वेरिएबल्स को नेम के नाम से स्टोर करा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्लेयर नेम एज, उसकी डेटा टाइप लिखूंगा यहाँ पे क्या है, नेम की स्ट्रिंग है तो मैंने स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आई? यस सर। अब अगर कोई है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं डिक्लेयर नंबर वन एज इंटीजर, तो मैं इसको इंटीजर लिख दूंगा डेटा टाइप, सही है? यहां तक क्लियर है भाई सबको? जी आगे चले भाई सफी। जी सर। अच्छा देखो जल्दी से सफी, ये है ना क्वेश्चन उतार रहा हूं पहले, राइट अ सुडो कोड फॉर एनी टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड एड देम एंड डिस्प्ले योर आंसर, और अपने आंसर को डिस्प्ले भी करें। नंबर्स कोई से भी दो नंबर्स आपने यूजर से पूछने हैं, अब वो कोई भी सकता है, उसकी मर्जी है। अब आपने जरूरी नहीं है वो डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं बेटा, अगर आपने उस पे है ना लगा दी कि एनी टू डेसिमल नंबर तो वो सिर्फ डेसिमल नंबर ही दे सकता है, लेकिन आपने कुछ नहीं लगाया तो वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, और इवन ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। तो आपने कोई से दो नंबर्स लेने हैं यूजर से, अब आप उनको नंबर्स को वन या टू थ्री डिजिट्स में नहीं ले सकते, आप उसको यू नहीं कह सकते, आपने कोई ना कोई उसको वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने मुझे प्रोग्राम लिख के दिया है तो मेरी, आपने कहा फाइव लिखो लेकिन मेरी मर्जी में टेन लिखना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी में एट लिखना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली वी आर डिजाइनिंग अ फॉर्मूला, वी आर डिजाइनिंग अ प्रोग्राम फॉर द यूजर, कि भाई वो अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर उसके अंदर एंटर करे। जैसे कि आप देखें एक नंबर वन के नेम से एक वेरिएबल मैंने लिया डिक्लेयर नम वन, अब उसकी मैंने टाइप रख दी क्या, इंटीजर, एक नंबर जो होगा वो इंटीजर की फॉर्म में होगा, दैट मींस वो किस फॉर्म में होगा बेटा, होल नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो है डिक्लेयर नम टू, नंबर टू जो कि किस फॉर्म में हो, रियल फॉर्मेट में हो, ठीक है, रियल फॉर्मेट में हो, सही है, अंडरस्टैंड? अच्छा yes, दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, ये हो गया। अब उसके बाद याद रखें बेटा, अभी मैंने कहा इनिशियलाइज करना जरूरी है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू जो हमें गिवन देखना पड़ेगी, रखना पड़ेगी। तो नंबर की, नम की इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है, क्योंकि अभी उसमें कोई डाली नहीं हमने, जो भी आपके वैल्यू देगा यूजर वो उसके अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है। इसी तरह नम टू की वैल्यू भी हमने क्या रखी, जीरो रखी इनिशियल, क्योंकि उसमें जो यूजर देगा वही हम स्टोर कराएंगे, और उसका हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, तो उसको हमने कह दिया सम। सम जाहिर सी बात है, सम में अंदर अभी वही वैल्यू है, अभी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी, तो सम के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी ना भाई, यस और नो, है ना भाई? सर ये समझ नहीं आया, नम टू और नम वन को प्लस करो डिस्प्ले वैल्यू जीरो क्यों आ रही है? देखिए डिस्प्ले नहीं कर रहे, डिस्प्ले कहाँ जीरो आ रही है, फिर ये क्या जीरो है, ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, अच्छा अच्छा भाई, स्टार्टिंग वैल्यू देंगे ना, जैसे हमने इजेक्ट और वो सॉरी रिजेक्ट और उसमें किया था एक्सेप्ट में, इनिशियल वैल्यू उसकी जीरो थी, फिर बाद में वो ऐड सबट्रैक्ट होते होते जो बनती गई वो बनती गई, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू जीरो थी ना भाई इनकी। इसी तरह से हम स्टार्टिंग वैल्यू जो हम यूजर से लेंगे वो तो जीरो होगी ना पहले, फिर अपनी मर्जी से कोई यूजर देगा वो उसके अंदर हम स्टोर कराएंगे। यहां तक बात क्लियर है? हाँ भाई सर बिल्कुल, बस फ्लो चार्ट जैसा है, बस उसको बस फ्लो चार्ट की जगह से उतार रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सर, नीचे आपने इनपुट और नम वन, हाँ सुने, अब आप सुने, उसके बाद हम इनपुट लेंगे किससे, यूजर से, कौन सा नम वन, अब यूजर अपने नम वन इसमें पुट करेगा और नम टू की वैल्यू पुट करेगा, हो गई यहाँ तक? उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, क्या इक्वेशन हम देंगे, क्या करना है इक्वेशन में, सम करना है, यानी कि एडिशन करना है, किसका, नम वन प्लस नम टू का। अब इन दोनों का जो एडिशन होगा उसकी वैल्यू किस में स्टोर होगी भाई, सम में स्टोर होगी, यही तो हमने करना है यहाँ पे एडिशन, सही है? तो सर ये एक वो भी तो होगा ना, ग्रेटर देन तक है, ऐसे एंड भी तो होगा ना, ग्रेटर देन हो या फिर नहीं, अभी हमने ये नहीं नहीं अभी हमने ये कंडीशन की बात नहीं करा, अभी हम सिंपली सा सीक्वेंस प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लूं सर ये वाला? जी हाँ करो ना, और क्या कर रहा हूँ मैं, कर ही नहीं कॉपी।
जल्दी कर लो फिर, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे बात का प्रोपोर्शन क्या है कि एंड ऑल्सो डिस्प्ले योर आंसर, आपने आंसर भी शो करना है सूडो कोड के अंदर। तो उसका मैंने यहाँ पे लिखा है आपने डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या आंसर, आंसर किस में सम में करना है, तो सम को हमने डिस्प्ले कर दिया। ये आपका सूडो कोड हो गया इस क्वेश्चन का। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया तो जल्दी बता दो, फिर हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। सर, बस 2 मिनट। हाँ श्योर श्योर बेटा श्योर। और नेक्स्ट टाइम याद रखना कि अगर वो लिंक नहीं आ रहा हो तो लिंक पे उस पर है ना ग्रुप पे शेयर, वो आप पे उस पर शेयर कर देता हूँ क्लासरूम पे, तो वहीं से उठा लिया करें अगर इस तरह ना आ रहा हो। हाँ बेटा सभी कर लिया। हेलो सभी हो गया, जी सर, हो गया। चलें। अच्छा बेटा यहीं पे क्लास हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल गोइंग टू मीट, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू।